खबर बेमित्र जिले से है, जहां नावागढ़ के राजीव गांधी चौक में राज्य सरपंच संघ की ओर से देर रात एक्सीडेंट से ग्राम पंचायत जरगावा के सरपंच धर्मेंद्र भाई निषाद और उसके पति कौशल निषाद की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश भर से आए हुए सरपंच संघ प्रतिनिधि और जिला सरपंच संघ की ओर से नवागढ़ के राजीव गांधी चौक में मृतक सरपंच और उसके पति के शव को रखकर चक्का जाम कर दिया गया और जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि मृतक सरपंच के परिवार के सदस्य 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और उनके घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उनके बच्चों को राज्य शासन पढ़ाई का खर्च उठाए। इन्हीं मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया था। सरपंच संघ के महाआंदोलन में जो अपना भागीदारी निभा दी गई थी और वापसी में आते आते वो शहीद हो गई, तो आज हम पूरे छत्तीसगढ़ सरपंच संघ की तरफ से उनको एक शहीद योद्धा के रूप में आज हम उसको मान्यता देते हैं। और तात्कालिक राहत सहायता के लिए अभी सरपंच संघ की तरफ से 25,000 रुपया अभी हम लोगों ने दिया है। चरगवा की सरपंच है जिनका अज्ञात वाहन ने से एक्सीडेंट हुआ है और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान, और उनके पति गंभीर रूप से घायल थे और सुबह उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया है और उन्होंने इनके प्रति संवेदना व्यक्त की है हमारे सरकार की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मृतक परिवार के लिए प्रति व्यक्ति 4-4 लाख रुपए की घोषणा की।